हम लोगों ने 17 महीने में जो रोजगार दिया उस 17 साल में चाचा जी ने कुछ नहीं किया, केवल लोगों को ठेंगा दिखाने का काम किया। अब चाचा जो फाइल खोल रहा है, पता ना कि भाजपा वाला उनका भी फाइल खोल दे, बच्चा बता रहे थे वो भी तो कभी बच्चे हुए होंगे, बच्चे ही से ना बुढ़ा रहे हैं, तो अपने ही संगठन के वो प्रोडक्ट है। वहाँ जा करके मोदी जी का माला जप रहे हैं। पगड़ी तो हम लोग यादवों का है, पूरे तरह से महाभारत के लिए तैयार है, उनके बारे में कुछ नहीं, वो थक चुके हैं। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। पहले तस्वीरें देखिए, ये हुजूम, ये जनसैलाब, अलग ही उत्साह इस वक्त हम सहरसा में है। और तेज प्रताप यादव सर पर पगड़ी बांध, देखिए किस तरीके से रथ पर सवार है, लोग अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं। ऐसे में तस्वीरें हम आप तक लगातार पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आज आखिरी दिन जन विश्वास यात्रा का, दिन और रात एक कर लगातार तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव लोगों के बीच जा रहे हैं, न सो रहे हैं और ना ही रुक रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें, और देखते ही तेज प्रताप यादव को कैसे युवाओं में उत्साह, जोश, उमंग जो है वो देखने के लिए मिलता है। तेज प्रताप यादव जी इस वक्त हमारे साथ है, खास बातचीत में इनसे बात करेंगे। देख सकते हैं कि जन सैलाब है, उमड़ा हुआ पूरा जन समर्थन, 3 तारीख को पूरे तरीके से लोग आने वाले हैं और पूरा जन सैलाब है, खासकर युवा मुसलमान भाई है हमारे यहाँ, देख सकते हैं, और सबके सहयोग मिल रहा है, सबके समर्थन। तेज प्रताप जी, कहा जा रहा है कि भाई अब एम भाई नहीं बाप की बात आप लोग कर रहे हैं, एम भाई का साथ छोड़ा, आप लोग बाप की बात करने लगे, सवाल उठा रहे हैं विरोधी। देखिए सब लोगों को, देखिए हम सब लोगों को लेकर के चलते हैं, और बात एम वाई की नहीं है, सारे लोग, सारे जाति, सारे बिरादरी, सारे लोग हैं साथ, यादव मुसलमान तो है ही, लेकिन उनके साथ साथ सारे लोग हैं साथ। करना क्या चाहते हैं तेज प्रताप यादव, ना सो रहे हैं ना ही रुक रहे हैं, दिन रात एक कर चल रहे हैं। करना क्या चाहते हैं, लोग देख नहीं रही है, हम लोगों को रोजगार देना चाहते हैं। हम लोगों ने 17 महीने में जो रोजगार दिया उस 17 साल में चाचा जी ने कुछ नहीं किया, केवल लोगों को ठेंगा दिखाने का काम किया। चाचा तो फाइल खोल रहे हैं तेज प्रताप जी, अब चाचा जो फाइल खोल रहा है, पता ना कि भाजपा वाला उनका भी फाइल खोल दे, भाजपा उनके साथ है तो कैसे फाइल खोलेगा, क्यों नहीं खोलेगा, चाचा भी तो हमारे साथ है तो पलट गए, तो किसके दिमाग में क्या चल रहा है वो कोई नहीं जान सकता, इसलिए भाजपा वाला अगर साथ में है तो भाजपा वाला भी उनका पोल खोल देगा। अच्छा, क्या पिता का रिकॉर्ड ही तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव तोड़ेंगे गांधी मैदान में, जिस तरीके से एकदम तोड़ेंगे कमर कस चुके हैं, कमर कस चुके हैं, बिहार की जनता, खासकर पूरे लाखों करोड़ों नौजवान जनता ने भी कमर कस चुका है। सम्राट चौधरी आप लोगों को बच्चा बता रहे, सम्राट चौधरी को हम कहना चाहते हैं कि बच्चा बता रहे थे वो भी तो कभी बच्चे हुए होंगे, बच्चे ही से ना बुढ़ा रहे हैं, तो अपने ही संगठन के वो प्रोडक्ट है, बने तो यही से थे। अच्छा, वहाँ जा करके मोदी जी का माला जप रहे हैं। अरे घूमने से क्या होगा, वोट तो मिलना है एनडीए को, वो लोग केवल वोट का ही राजनीति कर सकते हैं, हम लोग रोजगार का राजनीति करते हैं। अच्छा, आप लोगों को जिस तरीके से अपार समर्थन मिल रहा है, आप लोग लगातार जनता के बीच जा रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं, मगर सवाल ये है कि आपके विधायक, कई विधायक जो है पाला बदल रहे हैं, तो क्या एक्शन होगा तेज प्रताप यादव जी? अब कौन लोभ में फंसा हुआ है, कौन किससे क्या बिक गया है, उससे हमको कोई मतलब नहीं, फिलहाल अपना जनता का समर्थन हमारे साथ, एक्शन लेंगे तेज प्रताप जी? एक्शन तो जनता लेती है ना, हम थोड़े लेते हैं। देखिए तेज प्रताप यादव है इस वक्त हमारे साथ, और तेज प्रताप यादव जिस तरीके से सक्रिय है हम आपको दिखा रहे हैं दिन रात एक करके तेज प्रताप यादव। और फिलहाल अगर हम बात बताएं तो तेज प्रताप यादव ने पगड़ी बांध लिया, एक बार इनसे ये सवाल, पगड़ी क्यों बांधा तेज प्रताप जी? अरे पगड़ी हम आज से बांध रहे हैं, हम बहुत दिन से पगड़ी बांधे हैं, पिछले बार जो रैली हुआ था उसमें भी पगड़ी बांधे गांधी मैदान में, पगड़ी तो हम लोग यादवों का है, गांव के लिए तैयार है तेज प्रताप, किसान का है पगड़ी, देखिए गांव के लिए तैयार है तेज प्रताप, देखिए इस तरीके से लोग उत्साहित है, तेज प्रताप यादव को देखते ही जिंदाबाद के नारे लगने लगते हैं, चुनाव के लिए तैयार है या नहीं? पूरे तरह से महाभारत के लिए तैयार है। चाचा पुनः आना चाहे तेज प्रताप जी वेलकम करेंगे, लालू प्रसाद यादव ने कहा दरवाजा खुला है, तो राजनीति में दरवाजा बंद कब होता है?
इसके दिमाग में क्या बैठा हुआ है कोई नहीं जानता। चाचा का स्वागत करेंगे, आना चाहेंगे तो? एक बार तो आप लोगों ने किया, दोबारा आना चाहेंगे? चाचा के बारे में अभी तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं जी, उनके बारे में कुछ नहीं, वो थक चुके हैं। चलिए तेज प्रताप यादव हमारे साथ थे और ये एक तस्वीर देखिए किस तरीके से युवाओं में जो उत्साह दिख रहा है और तेज प्रताप यादव ने भी पगड़ी बांध दिया है, कह दिया स्पष्ट रूप से इस बार विधायक रिकॉर्ड पुत्री तोड़ेंगे, गांधी मैदान में रैली नहीं रहला होगा। हम तमाम तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे, आज आखिरी दिन जन विश्वास यात्रा का और तेजस्वी यादव के साथ साथ तेज प्रताप यादव लगातार मोर्चा संभाले हुए लोगों के बीच जा रहे हैं, दिन रात एक कर लोगों से आशीर्वाद मांग रहे हैं, कह रहे लालू प्रसाद यादव बात करना चाहते हैं, लालू प्रसाद यादव कुछ साझा करना चाहते हैं और लालू प्रसाद यादव मुखातिब होंगे 3 मार्च को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में। देखिए सभी जानते हैं लालू प्रसाद यादव बिहार की राजनीति के धुरंधर माने जाते हैं और कहीं ना कहीं गरीबों के मसीहा भी माने जाते हैं, क्या बात करना चाहते हैं लालू प्रसाद यादव लोगों से देश बता दें? वो तो हमेशा से शुरू से इन जनता को आगे बढ़ाने के लिए उनके लिए लड़ाई लड़ने का काम किया है, उन्होंने सामाजिक न्याय को आगे बढ़ाने का काम किया, जो दबे कुचले उनको जो अंतिम पायदान में है उनको आगे लाने का उन्होंने काम किया। आप लोग कह रहे हैं एकता की बात किया गया है तो पूरी एकता के साथ सब उसका, तो जनता से कह रहे हैं कि लालू जी कुछ बात करना चाहते हैं, वो क्या बात करना चाहते हैं? अब जब वो बात करेंगे तब समझ में आ जाएगा क्या बात करेंगे, अभी हम क्या बताएंगे। चलिए खैर इस वीडियो में इतना ही, तेज प्रताप यादव को आपने सुना क्या कुछ कह रहे थे हमारे साथ जो आज बातचीत में जुड़े थे, स्पष्ट रूप से कहा है कि कमर कस चुके हैं चुनावी मैदान में, तस्वीरें बेशक बदले। हम लोगों ने 17 महीने में जो रोजगार दिया उस 17 साल में चाचा जी ने कुछ नहीं किया, केवल लोगों को ठेंगा दिखाने का काम किया। अब चाचा जो फाइल खोल रहा है पता ना कि भाजपा वाला उनका भी फाइल खोल दे, जो बच्चा बता रहे थे वो भी तो कभी बच्चे हुए होंगे, बच्चे ही से ना बुढ़ा रहे हैं, तो अपने ही संगठन के वो प्रोडक्ट है, वहाँ जा करके मोदी जी का माला जप रहे हैं। पगड़ी तो हम लोग यादवों का पूरे तरीके से महाभारत के लिए तैयार है, उनके बारे में कुछ नहीं, वो थक चुके हैं।